मुजरिमों को सजा दे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एविडेंस जो है बहुत ही स्ट्रांग है उस शाहनवाज के खिलाफ। और शायद शाहनवाज ने मेरी बेटी को वरगलाया था, उधर बुलाया या जिस तरह भी हुआ उनका मेल हुआ और उसने उसको बेदर्दी से मार दिया। और फिर मैं अपनी बेटी के बाकी सर्टिफिकेट लेता था, फिर मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस एक या दो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक न रहें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें और ऐसे प्रेडेटर्स को और ऐसे जालिम लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि इन लोगों का कोई राइट नहीं है ज़िंदा रहने का अगर वो दूसरे इंसानों की जान इतनी सस्ती समझते हैं। तो उनको लूट मार के फिर उनको ठिकाने लगाने का प्लान रखते हैं, और ये सब प्लान काम था। और मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि उस रात उस फार्म हाउस में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, शाहनवाज, उसकी माँ और मेरी बेटी, और सुबह मेरी बेटी की लाश मिली। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस काज को कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसको, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ अदालतों में कितना टाइम लगेगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और हर वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा जहाँ मुझे इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।